मैं अभी बस स्टेशन जाने के लिए रेडी हूँ, अभी जा रहा हूँ। और ये बाइक के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, नया नया चीज़ें सीखने को मिला और नया नया चीज़ें खाने को मिला, देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। क्योंकि मैंने पैसा दिया है ना फिर के लिए, वेलकम टू कुमिल्ला। फाइनली मैं पहुंच गया कुमिल्ला पे और मैं यहां से और एक ऑटो लेगा। भैया ने बोला कि मेरा भैया जो यहां से है कुमिल्ला से, मैं उसके घर में जाने वाला हूं, रहने वाला हूं और उसके साथ मैं ईद सेलिब्रेट करने वाला हूं। बांग्लादेश आगे साइकिल चला रहा हूं मैं, मेरे सर पे तो सब लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बांग्लादेश में मैं साइकिल भी चला लिया। भाई देख रही हो वीर, और यहाँ पर हर साल ईद के टाइम ऐसे ही होता है। देखो वीर भाई, चलने के टाइम ही नहीं है, हम लोग का साइकिल उधर में रख देना पड़ा क्योंकि यहाँ बाहर नहीं निकल नहीं पा रहे हैं, इसको वहाँ पर रख दिया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। वंस अगेन फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग को और एक नया वीडियो में। मैं हूँ आर्केन डबर्मा, मैं हूँ अभी बांग्लादेश के चित्तागोंग शहर में, वन ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन बांग्लादेश। मैं यहाँ पर 4 दिन से ठहरा हुआ हूँ इस चित्तागोंग शहरों में। वैसे मैं आया था बांग्लादेश में आज से लेके 11 दिन हो चुका है। मैं यहाँ पर एक आश्रम पर ठहरा रहा हूँ 4 दिन से लेके, ये है मेरा रूम, ये है भाई, हरे कृष्णा ये है मेरा भाई, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा ये भी, हरे कृष्णा प्रभु। और मैं यहाँ पर 4 दिन से उन लोग के साथ रह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ पर, आपको खाने के लिए पीने के लिए सब फ्री है और आप लोग दर्शन भी वो लोग अच्छे से करते, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो अभी मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से कुमिल्ला, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर का रास्ता है, आपको जाने में टाइम लग जाएगा, तीन या फिर 3.5 घंटे का रास्ता है, पता नहीं अभी तो ईद का टाइम है और भी ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाएगा बस स्टैंड पे जाके मैं टिकट काटूंगा, उसके बाद वहाँ से मैं रवाना हो जाएगा कुमिल्ला के की ओर। ओके, तो ये प्रभु मुझे आपकी जॉब थोड़ी मुझे गिफ्ट देने वाला है, ऐसे गिफ्ट, हरे कृष्णा प्रभु। तो ये लेके मैं भी अभी जॉब करूँगा, माला की जॉब, वैसे मेरा पास भी है, उसने दिया है वो, ये नया है तो उसने मुझे दिया, ये नया ये लेके जाओ बोलते, बहुत अच्छा लगा, ये लेके जाएंगे। मैं अभी बस स्टेशन जाने के लिए रेडी हूँ, अभी जा रहा हूँ। और ये बाइक के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, नया नया चीज़ें सीखने को मिला और नया नया चीज़ें खाने को मिला, देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। आऊँगा आबार आए ना आबार हमें नेक्स्ट ईयर अवश्य अवश्य, तो मिलते हैं। बांग्लादेश का रिक्शा लेके मैं अभी जा रहा हूँ एक बस स्टैंड पे, वहाँ से बस पकड़ेगा, बस पकड़ के और एक बस स्टैंड पे जाएगा, और एक बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ से टिकट खरीदेगा, उसके बाद कुमिल्ला के लिए रवाना हो जाएगा। C4 कौन सा होगा? मेरा वही मेरा है। अपना कौन सा
कितना बॉयस इधर बस ये वाला सीफूड कौन सा है सीफूड सीफूड इधर इसको बोलो आने के इधर आने के लिए सीफूड इधर महिला तो ये धर्म आने का क्योंकि मैंने पैसा दिया है ना सीट के लिए तो दस फुट में तक मानी इस मानी ज़्यादा रह सकता है। बहुत जोर से सुसु लगा था यार, ये रुक के सुसु करना पड़ा है मेरा। सुसु करने के लिए 5 रुपये देना पड़ा, 5 रुपये। लेकिन 5 रुपये मेरा पास कैश नहीं है, 10 रुपये दे के आना पड़ा। और बने अभी सामने गाड़ी रुका हुआ है, आगे जाके जाएंगे। उसके घर में जाने वाला हूँ, रहने वाला हूँ और उसके साथ मैं ईद सेलिब्रेट करने वाला हूँ। इसने बोला कि ये ब्रिज क्रॉस करके रास्ता के उस पर जाने के लिए, तो मैं उस पर जा रहा हूँ। वहाँ से ऑटो लेगा उसकी गांव के स्टैंड तक। तो कौन जगह था कोई? हाँ ओके ओके ठीक है आयो। दिन आसा हलो বাংলাদেশ কত অনেক 11 দিন গেছে। এই যে দেখো এই যে কুমিল্লাকে যে কেন ত্রিপুরা বলা হয় দেখছো, বীরচন্দ্র কোন পাঠাগার এটা, কিন্তু ত্রিপুরা রাজাদের করা। আচ্ছা বীরচন্দ্র কার নাম? রাজার নাম নেই করাই। ফাইনালি মে পৌঁছ গিয়া কুমিল্লা ঈদ সেলিব্রেট করতে গেলে ভাই লোক এসে যাব মেরে পিছে। ভাই যা মেরা লাস্ট ভিডিও মে বহুত সারা দেখা হোগা উনকে সাথ, যো বো বাংলাদেশি হ্যায় লেকিন ফির ভি মেরা ভিডিও মে বহুত বার আয়া হ্যায়। সো মে চতুগ্রাম মে রহ রহা থা 4 দিন, ওয়াহ পে ঠহর রহা থা এক আশ্রম পে। আশ্রম পে বহুত প্যারে লোক হ্যায় ওয়াহ পে, উন লোগকে সাথ মে भोजन करता था हर रोज 4 दिन। सुबह सुबह सवेरे नहा के उन लोगों के साथ मैं भोजन करता था, प्रणाम करता था, दर्शन करता था पूजा के। कोई बात नहीं है अभी उन लोगों के साथ भाई छाया अभी उन लोगों के साथ यहाँ पर ये सेलिब्रेट करेंगे। मैं वहाँ पे तो
पूरा टोटली डिफरेंस हो गया वहाँ पे। वहाँ में तो मैं हर रोज़ पूजा करता था, अभी वहाँ में आके वहाँ पे मैं प्रणाम करता हूँ, हरे कृष्ण बोलता था, अभी यहाँ पर आके मैं सलाम थूकूंगा, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। नमाज कल एक ही बात है, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर वहाँ पे मैं चार दिन से भेज खा रहा था, ऐतिहासिक जगह मेरे मिस खा रहा था चार दिन से, अभी यहाँ पर आके मैं कुछ खाने के लिए मिलूंगा, अच्छा बात है। तो अभी अभी मैं फाइनली नहा धो के फ्रेश होके अभी खाने के लिए बुला रहा है भाभी। मैं आ चुका हूँ अभी मेरा भाई भैया के घर में, जो कि अब लोग मेरा लास्ट वीडियो में बहुत सारा वीडियो में है, जो मेरा भारत बांग्ला फ्रेंडशिप राइड में जो मेरा बांग्लादेश का जो लुक है वो भी उनसे एक है मेरा भैया। अभी मैं उसके घर में ठहरा हूँ, वो उसने मुझे होस्ट किया, उसके घर में रहने के लिए दिया। तो यहाँ पर मैं दो या फिर तीन दिन रह के यहाँ पर उन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करके मना के उन लोगों के साथ उन लोगों का कल्चर देखूँगा। तभी खाने के लिए जा रहे हैं भैया, यस का भैया की बड़ा बेटा। हाय बोलो। हाय। नाम क्या, नाम नाम बोलो। आयमान। आयमान। इसके साथ साथ इसका छोटा बेटी भी है, छोटा सा। आयमान को भाभी हिंदी बोलता है। हिंदी बोल सकते हैं अच्छे से। हाँ, उसको हिंदी अच्छे से आते होगा। अच्छा, चार दिन से मैं वहाँ पे निरमिस उन लोग के साथ निरमिस खाते 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 लेकिन मतलब वहाँ पे जो मिलता है वही खाना पड़ेगा ना। तो और मैं भोजन भी करता था कि सुबह सुबह उन लोग के साथ सवेरे सवेरे 4 बजे नहा के फ्रेश होके उन लोग के साथ मंदिर में जाके भोजन मैं भी उन लोग के साथ जाके दर्शन करता हूँ मंदिर में। तो अभी वहाँ में जाके नमस्कार या फिर हरे कृष्ण बोलते हैं, यहाँ पर आके सलाम भाई या फिर अस्सलाम वालेकुम, टोटल डिफरेंस हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, दिल अच्छा होना चाहिए, हिंदू या फिर मुस्लिम दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी खाने में है राइस, कुछ वेजिटेबल के मछली, हाँ मछली भी है, ये डेरस है लेडीज फिंगर, तो फी लेते हैं खा लेते हैं। तो ये है लिटिल वन, हाय करो, हाय हाय हाय, ऐसे करो, ऐसे 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 कोई हाथ दिया, हाय। नाम को नाम अफरा, उसका नाम है अफरा, बहुत प्यारा है, मेरे साथ बहुत खेल रहे हैं जब से मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तो फटाफट खाना खा लेते हैं। हाँ, दोपहर से खाना खाने के बाद मौसम ख़राब हो चुका है, तो अभी भी बारिश आ रहा है, शाम से बारिश लगातार आ रहा था, अभी भी लगातार आ ही रहा है। तो मैं बाहर निकालने के लिए रेडी है, एक साइकिल भैया ने मेरे लिए अरेंज करके दे दिया है, मेरा टॉर्च देख सकते हो, रात का अभी 7:30 बज चुका है, तो वो तो बाहर निकल चुका है मेरे से पहले, वह अभी अभी आने के लिए बोल रहे हैं। और एक मेरा भैया भी है, मेरा साइकिलिस्ट, बांग्लादेश का साइकिलिस्ट, जिस लोगों ने मेरा पहले भी पहला वीडियो देखा होगा जो मैं जब साइकिलिंग करता था, उन लोगों को पता होगा मेरा बांग्लादेश का साइकिलिस्ट है, 2-3 लोग मेरे से 12 है, भैया ही बोल सकते हैं। तो मैं अभी उन लोगों से मिलने के लिए जाऊँगा। तो बाहर कुछ मौसम, बारिश अभी भी आ रहा है, बारिश तो ख़त्म हो चुका है लेकिन हवा अभी भी बहुत चल रहा है, और ईद के टाइम सब जगह में पटाखा वगैरह फोड़ रहा है, तभी निकलते हैं। तो फिर तो बांग्लादेश कुमिला शहर में आके मैं साइकिल चला रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ऐसे वैसे साइकिल नहीं है, गियर वाला साइकिल है भाई, लेकिन बारिश आया है, थोड़ा कपड़ा खराब हो चुका है। तो ये मेरे पास टॉर्च भी है, देखो लाइट ऑन हो जाता है, मैंने ये घर से लेके आया था, तो अभी थोड़ा काम पे आ गया ये मेरा जो लेके आया। तो मेरा भैया ने जो लोकेशन भेजा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, अभी देखो काफ़ी भीड़ रास्ते है, अभी तो बारिश हो गया ना, तो इसलिए भीड़ कम है, अगर बारिश नहीं होता ना पूरा ये भीड़ 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 होता सब जगह में, लोग ही लोग होता।
हाँ मेरा सर पे तो से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बांग्लादेशी में साइकिल भी चला लिया। बहुत भीड़ है भाई, बांग्लादेश में साइकिल ही अच्छा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है यार, हर जगह में भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगा आप लोगों को क्योंकि साइकिल ही अच्छा है। ये है 0 पॉइंट उमिला सिटी का, ये जो मेरा पीछे देख रहे हो ये पुराना बिल्डिंग है, बहुत पुराना बिल्डिंग, हम लोग का त्रिपुरा का राजा पहले बना के दिया है, बना के चला गया, मतलब कि क्या बोले इसको, वो लोग बनाया बोला है ये जो है 0 पॉइंट। तो अभी मेरा भाई के साथ ये जो है मैं बस ठहरा रहा हूँ, देखिए थोड़ी देर के बाद जाऊँगा घर पर। देखो भीड़ भाई, चलने के टाइम ही नहीं है, हम लोग का साइकिल उधर में रख देना पड़ रहा क्योंकि यहाँ बाहर नहीं निकल नहीं पा रहे, इसको वहाँ पर रख दिया। रेलवे स्टेशन अभी रात की करीब 1 बजने वाला है, इंडियन टाइम 12:20 बज रहे हैं और भैया के साथ साइकिलिंग कर रहा हूँ। शाम 7:30 बजे से हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, बहुत जगह पे घूमा, बहुत जगह देखा, बहुत जगह पे बातें की दोस्त लोग से मिल के और बहुत मज़ा भी किया, और इतना वीडियो शूट नहीं किया हम लोग के साथ, मतलब बस मैंने टाइम स्पेंड किया हम लोग के साथ। तो अभी घर वापस जा रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कीप सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।